क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितना रिसर्च करना पड़ा इस वीडियो को थोड़ा सा भी फैमिली फ्रेंडली रखने के लिए। टॉपिक ही ऐसा है कि जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा नहीं पाता हूँ। बट एनीवे, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। स्टे ट्यून्ड। अब तुम सब लोग जाके छुप जाओ ताकि शैतान जब यहाँ आए उसे इस लड़की के सिवा और कोई नजर नहीं आए। जाओ और सुनो, सब लोग अपनी अपनी मशाले बुझा दो। क्या आपने कभी सोचा है कि मूवीज को हमेशा ऐसे ए मूवीज, मतलब ए ग्रेड मूवीज, बी ग्रेड मूवीज या फिर सी ग्रेड मूवीज ही क्यों बोली जाती है? तो देखिए, ये जो ग्रेड वर्ड है ना, ये बाद में आया। एक्चुअली दीज मूवीज आर कॉल्ड ए मूवीज, बी मूवीज एंड सी मूवीज। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब फिल्म मेकिंग की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे ना रील्स में फिल्म्स बनते थे, मतलब जो एक्चुअल फिजिकल रील्स होते थे उनमें मूवीज बनती थी। तो उस टाइम पे डिजिटल कुछ था नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर शॉट के लिए अलग से रील खरीदना पड़ेगा एंड ईच एक्स्ट्रा शॉट मीन्स मोर मनी। तो उसको काउंटर करने के लिए पहले के जमाने के प्रोड्यूसर्स क्या करते थे पता है? कि वो लोग ना अपने डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि आप ना शॉट डिविजन बहुत अच्छे से करो ताकि हम लोग को पता चले कि इन शॉट से ही ये मूवी बन जाएगी, और ये जो शॉट्स है ये हम लोग नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, बट अगर हुआ तो ले लेंगे। तो वो लोग क्या करते थे, जो फिजिकल रील्स आते थे, जो रील्स के लॉट्स आते थे, सपोज आपके पास ऐसे 10 रील्स के लॉट्स आए तो आपने 7 रील मूवी के लिए रख दिया और 3 रील बैकअप के लिए रख लिया। तो वो जो 7 रील होते थे, जो एक्चुअल मेन रील जिससे मूवी का जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें शूट होंगी, उनको बोलते थे ए रील्स, और जिनको बैकअप के लिए रखा जाता था उनको बोलते थे बी रील्स या बी रोल्स। तो ये जो ए रोल बी रोल का फिलोसॉफी है, That was a result of a master strategy. तो strategy देखनी है तो आप आज का गुजरात वर्सेस चेन्नई का मैच ही देख सकते हो। लेकिन मैच देखने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो माई 11 सर्कल ऐप। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है एंड ऐप में दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर्स को स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करना है और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, टूर्नामेंट के हर मैच में हर दिन आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। उसी के साथ हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके फर्स्ट प्राइज में आप जीत सकते हो पूरे 1 करोड़ रुपए। अगर आपने मेरा कोड यूज किया तो डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश और साथ ही मिलेगा 1500 का ज्वाइनिंग बोनस। सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर द गुजरात वर्सेस चेन्नई मैच ऑन माई 11 सर्कल नाउ। तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि हम लोग जो बी रोल बोलते हैं ना, वो बी रोल होता है कि जो फिलिंग शॉट्स होते हैं, मतलब आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो उसके बीच के जो फिलिंग शॉट्स है, फिलर शॉट है, उनको बीरोल इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो पुराने जमाने में वो शॉट्स नहीं भी होते तब भी मूवी बन जाती, बट वो सारे शॉट्स स्क्रीन प्ले को और ज्यादा रिच करते थे। तो ये था हिस्ट्री ऑफ ए रोल्स एंड बी रोल्स, लाइक ए रील्स एंड बी रील्स। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि कुछ कुछ डायरेक्टर्स इतने अच्छे होते थे अपने शॉट डिविजन में कि वो लोग ना ए रोल में ही पूरा मूवी बना लेते थे, कि उनका जो बैकअप रील्स होता था उनका कभी यूज होता ही नहीं था। तो जो कम बजट वाले मूवीज होते थे ना, वो लोग वो बड़े बजट वाले मूवीज से ये जो रील्स थे, जो बी रील्स थे, इनको खरीद लेते थे कम पैसों में ताकि उनकी मूवी का कॉस्ट कम हो जाए, आप समझ रहे हो। तो जो ए मूवीज थी वो मेन मूवीज, मतलब जो बड़ी मूवीज होती थी, और जो छोटी मूवीज होती थी वो बी रोल्स, मतलब जो बी रील्स होते थे उनसे बनते थे। सो वैसे एक डिवाइड आ गया कि दीज आर ए मूवीज एंड ए मूवीज से जो रील्स रह गया उनसे बनी बी मूवीज। अब देखिए, जो हिस्ट्री ऑफ बी मूवीज है ना, उनको बहुत अच्छे से आर्काइव नहीं किया गया। तो मैं जब अपना रिसर्च कर रहा था तो मुझे विकिपीडिया में ये मिला कि दिस इज द फर्स्ट बी मूवी, मतलब ये जो प्रोसेस था कि एक बड़े मूवी के छूटे हुए रील से जो एक मूवी बनती है, दिस इज द फर्स्ट मूवी ऑफ दैट काइंड एंड ये बनाई थी कोलंबिया पिक्चर्स ने। यस, वही कोलंबिया पिक्चर्स। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज द पोस्टर एंड एज यू कैन सी येलो एंड रेड। तो अभी आप बोलोगे कि येलो एंड रेड ही क्यों? तो अभी आपको थोड़ा एक कलर थ्योरी के बारे में बात करना पड़ेगा मुझे, कि देखिए अभी जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, जो केवमैन थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके लिए जो कूल कलर्स होते थे, मतलब मैं अगर आपको ये कलर व्हील दिखाऊं और अगर इस कलर व्हील को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको ना एक सिमिलैरिटी दिखेगी कि एक हिस्से में जो कलर्स है ना ये हमारे लिए सेफ होते थे, मतलब जैसे आसमान हो गया या फिर ग्रीनरी हो गया, दीज आर गुड थिंग्स, इनसे हमें खुशी मिलती थी। लेकिन जो ऑपोजिट कलर्स थे उनसे हमें डेंजर होता था, लाइक शेर हो गया, आग हो गया। तो हमारे एवोल्यूशन में ना वी आर मोर अलर्ट टू
दीज कलर्स। और इसी का फायदा ये बी मूवीज ने उठाया कि ऐसा कोई डिजाइन बनाओ ताकि वो लोगों को अलर्ट कर दे, लोगों का अटेंशन अचानक से ले ले, इसीलिए येलो एंड रेड। और ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली बाय नेचर दीज मूवीज हैड लेस बजट्स, तो वो लोग मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग काउंट्स। मतलब अगर वो लोग पोस्टर भी बनाएंगे देन दे मेड श्योर कि वो पोस्टर अटेंशन ग्रैब करे। इसीलिए आप कोई भी बी मूवी का पोस्टर उठा लीजिए ना, आपको ये कलर्स तो दिखेंगे पक्का, दैट टू नॉट इन अ वेरी सटल वे। अब देखिए, व्हेन समथिंग वर्क्स नो तो उसको इमिटेट भी किया जाता है। अगर हम लोग इंडियन बी मूवीज के बारे में बात करें तो रामसे ब्रदर्स एंड कांति शाह, दे आर द किंग्स ऑफ बी मूवीज, राइट। तो मैंने जो आपको अभी बताया उसी केस स्टडी को उन्होंने भी अपने मूवीज में इम्प्लीमेंट किया, और आपको भी ना उनके मूवीज के पोस्टर्स में येलो एंड रेड कलर की पूरी भरमार दिखेगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्टर्स, तो एक पोस्टर का पर्पस क्या होता है, मतलब आप एक पोस्टर में दिखाते क्या हो। अब क्या है ना, 1970s और 80s में जिस टाइम के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उस टाइम पे स्टोरी ड्रिवन पोस्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम पे इट वॉज टोटल स्टार ड्रिवन। लेकिन इन छोटी मूवीज में, इन बी मूवीज में ना बहुत बड़े स्टार्स काम नहीं किया करते थे, तो वो लोग अपने पोस्टर्स में दिखाएंगे क्या, लाइक व्हाट यू हैव इन योर मूवी टू शो। इसलिए आप देखिएगा ना, इन पोस्टर्स में मेनली आपको वो भूत दिखेगा जो मेन अट्रैक्शन है ऑफ द मूवी, और अगर भूत इनफ नहीं है तो कई बार फिर देखिए, खेल सिर्फ अटेंशन का है, ऑडियंस जो देखने आ रही है वही दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसे कलर्स यूज करो जो एकदम चटक, मतलब हम लोग एसएमएस में उसको तेल बोलते हैं, ताकि वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब करे, एंड दूसरे ऐसे एलिमेंट्स जो लोग देखने आए, एंड यू हैव द परफेक्ट रेसिपी फॉर अ बी मूवी पोस्टर। अब देखिए, एज मच एज आई वॉन्ट टू ब्रेक डाउन दिस पोस्टर्स वेरी क्लोजली, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक भी डिसेंट पोस्टर नहीं मिला। कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं आप लोग को बता सकता हूँ, जैसे कि देखिए, ये जो चीज़ मैंने आपको बोला कि जो मेन थिंग है उसको ही दिखाओ, मतलब अगर आपके पास स्टार्स नहीं है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, वही दिखाओ। तो ये कल्चर भी ना सिर्फ 1970s या 80s में नहीं है, ये कल्चर भी बहुत पहले से आ रही है कि बी मूवीज आर बेसिकली चीप थ्रिल्स, राइट, आपको एक गिल्टी प्लेजर देता है। बट क्या हो अगर कि मैं ऐसा बोलूं कि अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ पूरा सच नहीं था। जैसे हम सब ने शायद शोले मूवी देखी है, और उसके ऊपर तो आर्ग्यूएबली कोई ए मूवी और है नहीं, एटलीस्ट हिंदी सिनेमा में। कानडा साहब, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। एंड दिस इज वन ऑफ द ओरिजिनल पोस्टर्स ऑफ द मूवी शोले। इनफैक्ट अगर आप शोले मूवी पोस्टर भी गूगल में टाइप करोगे ना, तो आपका मॉनिटर कुछ ऐसा दिखेगा। सो देखिए, सेम थिंग, येलो एंड रेड मेनली, बट इज दिस अ बी मूवी? Definitely not. और ये जो मैंने येलो एंड रेड के बारे में बात करी ना, एक नई मूवी आ रही है सीसु करके, उसके पोस्टर में भी आपको कुछ वैसे ही कलर्स दिखेंगे। इनफैक्ट जो मूवी कांतारा थी उसके पोस्टर में भी वही सेम कलर्स यूज हुए हैं। तो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कलर्स, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप येलो एंड रेड यूज करोगे तो हमेशा वो चीज चीप ही लगेगी, या फिर इट विल ऑलवेज स्क्रीम फॉर योर अटेंशन। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द कन्विक्शन। और कन्विक्शन के बारे में मैं बहुत बात करता हूँ इस चैनल में, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से व्हेन आई से कन्विक्शन। मैंने भी अपने पूरे करियर में शायद सिर्फ 30% वर्क ही है जो 100% कन्विक्शन के साथ किया है। और जब भी एक आर्टिस्ट कोई भी चीज पूरे कन्विक्शन के साथ बनाता है ना, तो वो थोड़ा सा यूनिक होता है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास स्किल भी होना चाहिए, कि अगर आपको ये आता ही नहीं है कि अच्छा पोस्टर कैसे बनाए, तो आपको कोई भी कलर यूज़ कर लो, आप उतना अच्छा पोस्टर नहीं बना सकते। और शायद इसीलिए आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं बी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक गुंडा मूवी पोस्टर को क्यों नहीं दिखाया। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आपके पास इनसेन कन्विक्शन है बट लेस स्किल, देन यू गेट ए गुंडा पोस्टर। जब आपके पास स्किल भी है कन्विक्शन भी है, देन यू गेट ए कांतारा पोस्टर। जब आपके पास बहुत स्किल और पैसा है लेकिन कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है, देन यू गेट एन आदि पुरुष पोस्टर। एंड एज आई सेड, रामसे ब्रदर्स, उन्होंने 2014 में एक मूवी बनाई थी नेबर्स करके, उस मूवी के पोस्टर को देखिए। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट ओल्ड फॉर्मूला, एंड वो भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। एंड मे बी ये जो येलो रेड फिलोसॉफी है, ऐसे जो क्लासिक बी मूवी पोस्टर्स है, दे जस्ट माइट बी अ थिंग ऑफ द पास्ट।
So hit the like button if you like this video and do let me know कि if you want to see a poster by poster breakdown on this same topic. और जाने से पहले फिर से एक बार, चाहे महिंद्रा थार हो, 1 करोड़ रुपए हो, 20% एक्स्ट्रा कैश और 1500 joining बोनस, ये सब कुछ आप जीत सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ टीम बना के. So this was Shamim, you're watching Kiba Kibi. Do not forget to subscribe for more videos like this. See you in the next video.